वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है। हालांकि मौत हादसा है या हत्या, ये अब भी पर्दे में है, लेकिन इस मौत ने जंग के समीकरण को इतनी तेजी से बदल दिया है कि अब रूस की रणनीतिक बढ़त बनाने की जगह बारूदी आक्रामकता दिखाने में ज्यादा रुचि लगने लगी है। यही वजह है कि 24-25 अगस्त की रात को रूसी हमले ने पूरे यूक्रेन को दहला दिया। यहां तक कि क्लस्टर और फॉस्फोरस बम जैसे बारूद के इस्तेमाल होने की भी खबर सामने आई। इस रिपोर्ट में देखिए यूक्रेन के वॉर जोन में मची तबाही का दृश्य कैसा है। मातम मॉस्को में है, लेकिन मातमी सन्नाटा कीव में पसरा है। वैगनर पीएमसी के चीफ की मौत के बाद हालात इतने बदल गए कि हर रणनीति में आक्रामकता अपने आप आ गई। हालांकि पहले दिन माहौल क्रेमलिन के खिलाफ बना। वैगनर लड़ाकों ने क्रेमलिन कूच का ऐलान भी किया, लेकिन कुछ ही घंटों में पासा पलट गया। रूसी सेना के उग्रता ने वैगनर लड़ाकों को असमंजस में डाल दिया और यूक्रेन में तबाही का बवंडर उठ गया। अब रणनीति में टारगेट सिर्फ यूक्रेन का विनाश हो गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर घातक हमलों की बारिश कर दी है। उन विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल अब रूस खुलेआम कर रहा है, जिसे बैन श्रेणी में रखा गया है। और इस बारूदी तबाही का मकसद है प्रिगोजिन की मौत का बदला। हालांकि प्रिगोजिन की मौत हत्या और हादसे के बीच एक अनसुलझी कुत्थी है। शक के दायरे में खुद पुतिन भी हैं, लेकिन यूक्रेन के शहरों पर घातक प्रहार करके पुतिन ने खुद को आरोप मुक्त बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। रूसी सेना की आक्रामकता पहले से ज्यादा बढ़ गई है। पिछले कुछ घंटों में यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। रूसी फोर्स क्लस्टर और फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रही है। ज्यादातर शहरों में पूरी रात विध्वंसक हमले किए गए हैं। और ये कोई वॉर जोन से आई खबर नहीं है, बल्कि हमले के प्रमाण के तौर पर वीडियो भी जारी किए गए हैं। और ये वीडियो बताते हैं कि रूस का मकसद अब यूक्रेन की तबाही है और इस तबाही की जिम्मेदारी वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत है। यानी पुतिन ने सीधे तौर पर यूक्रेन को प्रिगोजिन की मौत का जिम्मेदार मान लिया है। आप भी देखिए वो तबाही जो प्रिगोजिन की मौत के बाद मची है। ये यूक्रेन का रोबोटाइन क्षेत्र है, जिसे रूसी K-52 ने तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया। रूसी भाषा में बाखमुत के लिए जिस मांस पीसने की चक्की का जिक्र होता है, वो अब रोबोटाइन के लिए भी हो रहा है। हालात ये है कि अब यूक्रेनी सेना के पास यहां बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये तस्वीरें उसी बाखमत की हैं जिसे कभी येवगेनी प्रिगोजिन के नेतृत्व में वैगनर लड़ाकों ने यूक्रेन से छीना था। अब रूसी सेना ने प्रिगोजिन की मौत का बदला लेने के लिए उसी अभियान को आगे बढ़ा दिया है। ये वीडियो खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं, जिसमें कुप्यांस की दिशा से हो रहे हमलों को रूस ने ना सिर्फ नाकाम किया है, बल्कि आक्रामकता के साथ यूक्रेन को नुकसान भी पहुंचाया है। ये वीडियो थर्मल इमेजरी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है, जो नाइट विजन के साथ रूस के स्नाइपर्स के कंधे पर लगा था और जिन्हें रूसी स्नाइपर्स निशाना बना रहे हैं वो यूक्रेन के स्नाइपर्स हैं।
जो रूसी सैनिकों की गोली का शिकार बन गए। ये वीडियो ज़ापोरिज़्या का है, जिसमें रूस के ड्रोन हमले से हुए नुकसान को देखा जा सकता है। इस हमले में रूसी सेना ने एक अमेरिकी M2A2 ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल को तबाह कर दिया। तस्वीरें और भी हैं, जो रूस की आक्रामकता का प्रमाण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेनी सेना खामोश है। अपनी क्षमता के अनुसार जवाब देने की कोशिश भी कर रही है, फिर भी रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेन को पीछे ढकेलने का काम शुरू कर दिया गया है और रूसी सेना ने उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। इस समय तक जितनी जानकारी है उसके मुताबिक डोनेस्क में यूक्रेन के एक गोला बारूद डिपो को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना के एक पूरे बेस को भी नष्ट कर दिया गया है। इस बेस में मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों को रूसी सेना ने पहले निशाना बनाया है। इसके अलावा दावा यह भी है कि यूक्रेन के हर हमले को नाकाम किया गया है। इस कार्रवाई में 2 यूक्रेनी ड्रोन और सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरीज को रूसी फोर्स ने नष्ट कर दिया, जबकि एक रिपोर्ट भी इस संबंध में जारी की गई है, जिसमें दावा है कि ओडेसा के चेर्नोमोर्स्क पर रूस ने बमबारी की है और कुछ ही घंटे की इस बमबारी में ओडेसा के कई क्षेत्रों को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। दावा यह भी है कि रोबोटिन के पास रूस ने यूक्रेन के सुखोई को भी मार गिराया है, जबकि नीपर नदी के पार 8 यूक्रेनी सैनिकों को ले जा रही 2 बोट्स को भी डुबो दिया गया है। इसका साफ मतलब यह है कि प्रिगोजिन की मौत के बाद रूसी सेना ने उग्र अवतार ले लिया है और इस उग्रता में रात भर हुए सटीक हमलों ने यूक्रेनी सैन्य कमांड सेंटर तो तबाह कर ही दिया, इसके अलावा कुछ ऐसा भी हुआ जिसने यूक्रेनी सेना को डरा दिया। ज़ापोरिज़्या में फास्फोरस बम का इस्तेमाल हुआ, हालांकि फास्फोरस बम से हुए नुकसान का आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है। वहीं ओडेसा में ब्लैक सी की तरफ से जबरदस्त बम बरसाए गए। खबर यह भी है कि रूस ने बाखमुत में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। सिर्फ इतने ही शहर नहीं, हमले की जद में यूक्रेन का सूमी क्षेत्र भी आया है, यानी रूसी फोर्स ने चुन चुन कर उन शहरों को टारगेट किया है जहां प्रिगोजिन और उनके लड़ाकों की मचाई तबाही के निशान अब भी मौजूद हैं और रूसी फोर्स की आक्रामकता की हर तस्वीर भी जारी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।